गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे। और जैसे कि आप लोग थंबनेल से देख रहे हैं कि मैं केनिया आ चुका हूँ। सीरियसली बताऊँ तो मैंने केनिया आने के लिए मैंने कुछ भी, मतलब जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं और इसके पहले के जो शूट है उसके अंदर, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ बनाऊँगा। तो बस ऐसे ही मैंने वीडियो बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा, बहुत सारे वीडियोज़ का स्टोर कर लिए हैं मैंने। तो मैंने ये सोचा था, मैंने कहा यार चलो इसको ढंग से प्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कैसे कब प्रेजेंट करूँगा। तो अभी ऐसा सीन है कि इस वाले वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करता हुआ, केवल थोड़ा सा इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके अंदर, जो कि आपने थंबनेल से देखा होगा कि केनिया के अंदर भी लोग बाग इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री को कितना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लेते हैं, चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। एयरपोर्ट से बाहर है, एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद में एक जना प्ले कार्ड लेके खड़ा था, नितेश पारेख, फ्लाइट नंबर 20। बड़ी अलग सी फीलिंग आ रही थी, मैंने क्या बात है यार, क्योंकि अपन का प्ले कार्ड लेके खड़ा हुआ है कि हाँ अपन को रिसीव करने के लिए। फिर उसके बाद में जो जो खड़ा था, जो ड्राइवर था, वो बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर है। इंटरेस्टिंग करेक्टर इन टर्म्स ऑफ कि उसको अपने कल्चर के बारे में, अपने अपने सीरियल्स के बारे में, जो पहले हुआ करते थे, मतलब पहले का मतलब है जो रामायण महाभारत थी, उसके बारे में नॉलेज है उसको। फिर मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे को बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए। ये है वो फैक्ट्स। अभी इससे मेरी बात हुई जब सिमोन ने ये बताया है कि सिमोन ने रामायण और महाभारत देखी हुई है और सिमोन को उसे करेक्टर भी याद है। और सिमोन, अभी मैं उससे पूछूंगा ये बताएगा उसके करेक्टर कौन कौन से। सिमोन, कुड यू प्लीज रिपीट इट अगेन, यू नो व्हाट द करेक्टर डू यू रिमेंबर? या आई रिमेंबर राम, आई रिमेंबर द ब्रदर ऑफ राम वाज लक्ष्मण, देन देयर वाज अनदर फेलो नोन एज हनुमान, देयर वाज सुग्रीव, एंड देन देयर वाज अनदर डेमन नोन एज वाज रावण। या आई रिमेंबर रावण, ही वाज अ वेरी डिस्टर्बिंग फेलो देयर, अ डेमन फॉर दैट मैटर, बट इट वाज अ ग्रेट एंड आई रियली लाइक इट। See, देखा, इसमें सिमोन को उसको सारे रामायण और महाभारत भी देखी है इसने। इसको दोनों के करेक्टर पता है यार। We love Indian movies. They are very entertaining here. They are very popular in Kenya. And welcome you to Kenya. Thank you very much. God bless. मुझे तो यकीन ही नहीं था कि जब सिमोन ने मेरे को बताया कि जब रामायण आती थी ना, तो जो इंडिया की हालत थी, सारी रोडें सूनी हो जाती थी, संडे को सब लोग अपने, मतलब उस टाइम पे ज़्यादा टीवी नहीं हुआ करते थे, बहुत लिमिटेड लोगों के पास ही टीवी हुआ करते थे, तो सब लोग एक जगह पे बैठ के देखते। सेम सेम कंडीशंस यहाँ पर केनिया में भी थी। सिमोन ने मेरे को बताई वाली चीज़। बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन है ना ये सिमोन। अच्छा लगा मेरे को भी इससे मिलके, नंबर भी एक्सचेंज करा मैंने उसे कि कभी अगर मेरे पास कुछ अवेलेबिलिटी हुई, मैं सीडी पेन ड्राइव कुछ टाइप की, तो उससे बात करके उसको महाभारत और रामायण दोनों देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट बहुत कॉस्टली है। तो अभी के लिए बस इतना सा ही, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो को। लेकिन हाँ, मैंने बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाए हैं यहाँ पर आने के बाद में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। ठीक है, तो बने रहिएगा आगे आने वाले नए वीडियोस के अंदर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अब की बार इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने वाला हूँ मैं अब। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वापस से बोल देता हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।